नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। बिहार के मुंगेर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को स्थानीय लोग पीट रहे हैं। घटना 7 जनवरी की है। स्थानीय लोग चोरी के आरोप में युवक की पिटाई कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को भीड़ से छुड़वाया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ युवक को लाठी डंडों और लात घूसों से बुरी तरह मार रही है। युवक रो रहा है और बोल रहा है कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। भीड़ ने उसे इतना मारा कि शख्स बेहोश हो गया। इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित युवक की पहचान गाजीपुर गांव के इब्राहिमपुर मोहल्ले के इनामुल उर्फ मिंटू के रूप में हुई है। होश में आने के बाद पीड़ित ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इनामुल ने शिकायत में बताया कि शनिवार को मोहम्मद बासिद और मोहम्मद सज्जाद गंदी गंदी गाली देते हुए पिस्तौल लेकर उसके घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। जब विरोध किया तो घर से घसीटते हुए बाहर इमामबाड़ा के पास ले गए और वहां पिटाई करने लगे। वहां मौजूद उनके सहयोगी हसन, सज्जाद, सद्दाम और सलमान सभी पीटते हुए लकड़ी गोदाम के पास ले गए और बिजली के खंभे से बांध कर पीटा, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद उसकी जान बची। जानबूझकर जान से मारने की नियत से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC News हिंदी।